मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH में मेडिकल कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक मेडिकल के छात्र घायल हो गए। वहीं छात्रों की ओर से की गई रोड़ेबाजी में पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। घायल छात्रों का मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। घटना से आक्रोशित छात्रों ने मेडिकल की इमरजेंसी सेवा ठप करा दी। घटना रविवार की देर रात करीब 12 बजे की है। SKMCH में परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का एक छात्र देर रात बाइक से अपने हॉस्टल लौट रहा था। SKMCH गेट पर अहियापुर थाने की पुलिस ने उसे ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को लेकर रोका। इसके बाद पुलिस और युवक में बहस शुरू हो गई। मेडिकल छात्र ने फोन कर अपने साथियों को भी गेट पर बुला लिया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच हाथापाई हुई। छात्रों ने एकजुट होकर पुलिस का विरोध किया और मौके से खदेड़ दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद छात्रों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इस रोड़ेबाजी में कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए हैं। उधर इस घटना के बाद देर रात तक मेडिकल कॉलेज में छात्र इकट्ठा होते रहे हैं। छात्रों ने कहा कि उनकी तरफ से पुलिस के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है और न ही कोई रोड़ेबाजी हुई है। पुलिस ने ही बल का प्रयोग कर छात्रों को जख्मी किया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। छात्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के 25 से 30 विद्यार्थी इसमें घायल हो गए हैं। मामले को लेकर SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने कहा कि पुलिस वाहन के आगे लहरिया कट बाइक चला रहे एक युवक को रोका गया। युवक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहा था। उसके साथ के विद्यार्थियों को बुलाकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल छात्रों को समझाया जा रहा है कि कानून का पालन कर समाज में सभ्य डॉक्टर का परिचय दें। क्या कुछ हुआ मैम? अभी रात्रि को ऐसी सूचना मिली थी कि जो ERV की व्हीकल है वो SKMCH के सामने से निकल रही थी और यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट के 3 लड़के एक ही बाइक पे ट्रिपलिंग करके विदाउट हेलमेट और लहेरिया कट पे चला रहे थे गाड़ी के आगे आके, जिस पे उन्होंने टोका और उनका चलान काटने की कोशिश की। तो जो पीछे 2 लड़के बैठे हुए थे उन लोगों ने शायद हॉस्टल के अपने फेलो स्टूडेंट्स और इनको फ़ोन करके बुला लिया और जिसकी सूचना मिली है कि 30-40 बाइक लड़के वहाँ पे पहुँचे और गाड़ी को घेर लिया था और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने का इशू किया। और फिर जो बाकी हमारी दूसरी ERSS की व्हीकल है ERV 103, उनमें जो महिला कॉन्स्टेबल्स थी उनके साथ थोड़ी सी बदमाशी और बदसलूकी करने की कोशिश की और जो हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं उनसे अभद्र भाषा में बात की और जो पुलिस की कार्रवाई है उसको करने से बाधित किया। मैम, पुलिस पर हमला भी किया गया क्या? पुलिस पर हमला हुआ है इन द सेंस कि वो काम नहीं करने दे रहे थे और जो महिला कॉन्स्टेबल CRV की गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उन पे वो कोशिश कर रहे थे उनको गाड़ी से बाहर निकालने का और उनसे बदतमीजी करने का। तो उस सेंस में लाठी चार्ज ये सब जो कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन कुछ फोर्स को यहाँ पर भेजा गया था तो उन लोगों ने क्राउड को डिस्पर्स किया है। क्या मेडिकल स्टूडेंट को चिन्हित किया गया है? हमारे पास वीडियोस और फोटोग्राफ्स काफ़ी सारे बने हैं, कैमराज यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड हैं SKMCH के अंदर। तो इस चीज़ की जांच हो जाएगी कि कौन कौन लोग उसमें थे और उन पे पुलिस कार्य में बाधा डालने और बहुत से अन्य और जो सेक्शंस हैं उनके अंदर उनके ऊपर ऑफेंस बनता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। अभी कैसा माहौल है? माहौल शांत हुआ या फिर? माहौल अभी शांत है, सब कुछ अभी कंट्रोल में है। जो हमारे फोर्स भी आ गए हैं, हम लोग सारे फोर्स को लेकर यहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने हॉस्टल में वापस कैंपस के अंदर चले गए हैं और रिटर्न हो रहे हैं और अभी सब इमरजेंसी सुविधा बंद कर दी गई है। स्टूडेंट्स का अपना कुछ ग्रीवांसेज होगा, लास्ट कुछ दिन पहले भी शायद कुछ स्टूडेंट किसी पावर आउटेज को लेके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो यहाँ पे इंटरनली भी कुछ कुछ चीज़ों पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊँगी कि इमरजेंसी सुविधा किस चीज़ के लिए बंद की गई है। लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पे अभी मौजूद हैं कि अगर कोई भी उनको पुलिस की तरफ से ज़रूरत हो तो उसके लिए हम लोग तैनात हैं। बट मेरे समझ से भी स्थिति सामान्य है, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। थैंक यू।